गुड इवनिंग दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज के इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने कल दिए थे। तो दोस्तों, हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक स्टॉक था कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, बुलिश में एडवांस एंजाइम्स, पराग मिल्क फूड्स, दीपक नाइट्राइट और IGL इंटरप्रेस गैस, और बेरिश में इन्फोवेज इंडिया नौकरी। इसमें 1 लाख का कैपिटल हमारे पास है मान के चलते हैं, और 16,666 रुपये हमने प्रति स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, मतलब ट्रेड करना था इस अमाउंट को लेकर। तो चलिए देखते हैं चार्ट पर किस तरह से परफॉर्मेंस रही। आइए दोस्तों, ये देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पहली फर्स्ट कैंडल का जो लो ब्रेक हुआ जो कि था 568 रुपीज 15 पैसे, और इसने जो है 3 बजे की क्लोजिंग इसकी रही वो रही 555.45, जो कि 13.70 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्रति शेयर, और 397.30 रुपये का हमें कुल प्रॉफिट हुआ। तो ये था ट्रेंडिंग स्टॉक। अब चलते हैं अगले स्टॉक में जो कि है हमारा एडवांस एंजाइम। देखते हैं एडवांस एंजाइम में कैसा रहा। ये देखिए दोस्तों, ये पहली कैंडल बनी और इसमें ये बुलिश स्टॉक में था, तो बुलिश स्टॉक में हाई टूटने पे ट्रेड करना था, तो इसमें लो टूट गया तो हमने ट्रेड नहीं किया, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, बुलिश स्टॉक में केवल बाय करना होता है जैसे कि आपको पता ही होगा। अब चलते हैं दूसरे पराग मिल्क फूड में चलते हैं। इसमें भी देखो, पहला जो है हमारा कैंडल जो बनी उसका लो ब्रेक हुआ लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। इसमें बाय करना था लेकिन इसमें सेल, मतलब लो हमारा टूटा है, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद जो है वो है दीपक नाइट्रेट में देखते हैं क्या हुआ। इसमें भी बस 15 मिनट्स की कैंडल का लो टूटा जबकि हाई टूटने पे हमें बाय करना था, तो इसमें भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। और उसके बाद है IGL में देखते हैं क्या हुआ। IGL में दोस्तों देखिए, इसमें जो है फर्स्ट 15 मिनट का हाई टूटा 477.90 और इसने हाई बनाया 488.55। ठीक है, तो सॉरी, ये जो है 477.90, ये हमारा इस पर हमने बाई किया और इसने जो हाई बना था, ये वाला हाई बना था 480, ये गलती से 488 हो गया, तो 480 तो ये सही है, 2.65 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो कि 35 शेयर हमने लिए, तो 92.75 रुपये का हमें इस पर प्रॉफिट हुआ। अगर हम यहाँ पे नहीं निकलते तो हमें हमारा स्टॉप लॉस खा जाता ये। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, यानी कि ये 210 रुपये का नुकसान हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं इसके बाद वाला स्टॉक कौन सा था, नौकरी वाला, जिस जो कि बेरिश स्टॉक था। अब बेरिश स्टॉक में हमने क्या करना था, लो पे बाय करना था लो टूटने पे, लेकिन इसका ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना। तो कुल मिला के हमारा जो है आज के इसमें आप देख सकते हैं कि पहला स्टॉक कौन सा था हमारा, कोरोमंडल में देख सकते हैं आप 397.92, तो लगभग 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। इसका आधा भी पकड़े तो 250 का अगर हम मार्जिन पकड़े तो 3 गुना 4 गुना भी पकड़े तो 3 गुना भी पकड़े या 2 गुना भी पकड़े तो 500.5 to 1% आपका प्रॉफिट माना जा सकता है आज के ट्रेड में। तो ये थी हमारी आज की परफॉर्मेंस इंट्राडे स्टॉक्स की। अगले वीडियो में मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि
अभी जो 20 तारीख 20 अप्रैल को जो मंडे के दिन कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करने हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उन पर, और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उनको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।